गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा रजवंशी एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, अभी रात हो गया है, 7:30 हो रहा है अभी, और जा रहे हैं रोटी बनाने क्योंकि भैया जाने वाला है। भैया का 8:30 में ट्रेन है, तो आज ही वो जाने भी वाला है। आज ही राखी भी है और आज ही वो जा रहा है कि भैया को टाइम नहीं रहता ना। इतना आ गया मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है कि वो आ गया यहाँ पे इतना दूर टाइम निकाल के। तो चलिए चलते हैं किचन में, उसके बाद आप लोग से बातें करते हैं। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी से खाना बना रहे थे कि भैया खा ले। वो बोल रहा था कि नहीं नहीं खाएंगे, क्योंकि सफ़र में मन नहीं करता ना खाने के लिए। फिर भी हम बोले कि नहीं, बिना खाए मत जाओ, क्योंकि रात का सफ़र है, आराम से खा के जाएगा तो सो भी जाएगा, खाली पेट अच्छे से नींद भी नहीं आता। इसलिए जल्दी जल्दी से रोटी बनाए 2-4 और बोले खाने के लिए। फिर भी बहुत जिद करने पे एक रोटी खाया भैया। और अभी ट्रेन में थोड़ा सा लेट था, 10-15 मिनट, तो सबके लिए ही रोटी बना के रख दिए थे, क्योंकि अगर कोई आपका फैमिली मेम्बर कहीं जाए ना, फिर काम करने का मन नहीं करता, क्योंकि मन थोड़ा अजीब सा हो ही जाता है। तो यहाँ पे सबके लिए रोटी बना के रख दिए थे। और मेरे को नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि सब मतलब 2 दिन हो गया होगा अच्छे से सोए हुए, 2 से 3 दिन अच्छे से मतलब सो ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बहुत बिजी टाइम अगर आ जाए तो हो ही जाता है ऐसा। फिर भैया तुरंत जाने वाला था, तो यहाँ गया वो चीकू से मिलने के लिए। सूत गए चिकू। ए बेटा, जा रहा है भैया। बाय। आ जा बेटा। चिकू चिकू आवा। नींद में बाबा को गाइल। आ जा बेटा, जा रहा है भैया। लस्सी लाते हैं, पिपी लेने पहले देत रहे, अब बिगड़ गई बा। तो यहाँ चीकू का भी दोस्ती हो गया भैया से। तो देख सकते हैं, हाथ मांग रहा था, फिर दोबारा तो दिया नहीं, लेकिन एक बार ज़रूर दे दिया। अभी चीकू का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं चल रहा है, तो सुस्त ही रहता है, और कभी कभी मन में आएगा तो साथ में खेलेगा, नहीं तो नहीं खेलेगा, तो वहीं इसका हाल है। अभी फिर जाके सो ही गया था। यहाँ पे भैया से थोड़ा सा खेला, और भैया यहाँ बैठा था ना, तो ऐसे उसकी गोदी में चढ़ के बैठने लगा था, मतलब तुरंत से दोस्ती हो गया भैया से भी। बहुत प्यारा है मेरा चीकू, और अभी तबीयत ख़राब है तो अच्छा भी नहीं लगता है, लगता है जल्दी से ठीक हो जाए जैसे पहले था। नहीं तो पहले मतलब बहुत ज़्यादा उछलता कूदता खेलता था दिन भर, अब नहीं खेलता है। और लोग बोलते हैं क्यों बांध के रखते हो आप लोग, बस इसी के सेफ्टी के लिए, क्योंकि हमारे जो सोसाइटी है यहाँ पे कुत्ते जो है ना, बहुत बड़े बड़े से कुत्ते हैं। तो एक बार ये बहुत मुश्किल से बचा था, बाहर निकला हुआ था, इसको काटने वाले थे लोग, इसी चक्कर में इसको बांध के रखना पड़ता है कि ये सेफ रहे। फिर यहाँ पे भैया जाने वाला था, तो यहाँ पकड़ के ऐसे वीडियो में लिए, क्योंकि फ़ोटो भी नहीं लेता है। जैसे मेरे पतिदेव है ना, वैसे ही भैया भी है, मतलब उतना पसंद नहीं है, फिर भी मेरे खुशी के लिए कम से कम आ जाता है कैमरा में। मेरे पतिदेव तो इतना भी नहीं आना चाहते हैं। तो यहाँ पे बस अब जाने की तैयारी हो रही थी, राखी वाले दिन ही भैया आया, और उसी दिन शाम में जा भी रहा था। ले जाइए, घुमा के लाइए, कूद जाता है। नहीं बना दी करता है। बाय 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 बाय, बेचैन हो मिल जाएगा। चढ़ गया। आ चिकू, ओ ये मोई, आ इधर आ चिकू। आ रहा है बच्चा। हाँ। फिर भैया चला गया, और ये क्लिप है सुबह का। तो सुबह सुबह उठ के आ चुके थे किचन में, एकदम नींद में थे, एकदम नींद आ रहा था,
क्योंकि त्योहार में कितना भी हो इंसान थक ही जाता है, एकदम उठने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन पतिदेव को कॉलेज जाना था तो इसलिए थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है। और हमेशा तो हम नहा के आते हैं किचन में, लेकिन जब से पतिदेव का कॉलेज है ना, पहले उनका नाश्ता बना के दे देते हैं, फिर नहाते हैं, फिर ससुर जी के लिए नाश्ता बनाते हैं, ऐसा होता है। तो यहाँ पे पूरा किचन पहले इस तरीके से पोछ लिए और फिर उनके लिए जा रहे थे बनाने। सुबह सुबह ज़्यादा कुछ तो हम नहीं बना पाते हैं जल्दबाजी में, तो भुजिया बना देते हैं, जो मेरे पतिदेव को आलू और प्याज का भुजिया बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वहीं बना रहे थे। यहाँ पे भैया को मैसेज किए कि कहाँ तक पहुँचा, और फिर यहाँ पे कट कर रहे थे भुजिया, और मेरे को थोड़ा कट करने में ही देर लग जाता है, टाइम लग जाता है। उसके बाद फटाफट से यहाँ कट किए और फिर गए किचन में बनाए, और नींद इतना ज़्यादा आ रहा था ना कि लग रहा था कि सो जाएं ऐसा हुआ था, बार बार जम्हाई पे जम्हाई आ रहा था। और मतलब एक होता है ना, जिम्मेदारी उठा देती है, हम अब बिना अलार्म का जग जाते हैं, पता है उस टाइम पे नींद खुल ही जाता है, कितना भी थके हों कितना भी हारे हों, मेरा उस समय नींद खुल जाता है। उसके बाद गए किचन में और यहाँ पे फिर बनाना स्टार्ट किए भोजन। फिर यहाँ पे खाना बन गया था और पैक कर रहे थे पतिदेव के लिए, और आज बनाए थे आलू प्याज का भुजिया और पूड़ी। बहुत दिन से पूड़ी मन था पतिदेव का खाने का, लेकिन हमारे घर सावन में पूजा होता है तो पूड़ी कुछ दिन तक नहीं बनता है, और राखी वाले दिन पूजा हो जाता है तो उसके बाद पूड़ी बनने लगता है। तो यहाँ पर हम वही उनका लंच पैक कर रहे थे और यहाँ नाश्ता भी निकाल दिए कि वो खा भी लें। सो गाइस, चले गए पतिदेव भी, सुबह सुबह ही चले जाते हैं पतिदेव 6:10 या 6:15 में, तो उनका नाश्ता बना के दे दिए। फिर उनके जाने के बाद फिर ससुर जी के लिए नाश्ता अलग बनाए, क्योंकि पतिदेव के लिए जल्दी जल्दी से बना देते हैं। और कल मेरा व्रत था, अभी पारण हम नहीं किए हैं, 9 बजने वाला है, ब्रश ले लिए हैं, जा रहे हैं, अब पूजा करेंगे और पारण करेंगे। और पहले हम सोचते थे ना, जब मम्मी ऐसे किया करती थी व्रत में काम, तो हम सोचते थे कि कैसे कर लेती है, अब हम करने लगे तो लगता है अच्छा ऐसे ही करती, मतलब भगवान शक्ति दे देते हैं। ये तो मेरे को लगता था ना, हम शादी के 2 साल तक हम कोई व्रत नहीं किए थे, इसी ये में कि काम करना पड़ता है तो मेरे से हो नहीं पाएगा, लेकिन इस साल सोचे कि नहीं, अब हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि भगवान है तो सब है, बस भगवान साथ रहने चाहिए, और उन्हीं की शक्ति की वजह से शायद हम सब कुछ कर ले रहे हैं। क्योंकि कल व्रत में भी हम कुछ खाते नहीं हैं, बस एक कुछ खा के और पानी पी लेते हैं, ऐसा नहीं एक पेट भर के दिन भर कुछ खा रहे हैं, एक बार दो बार बस पानी पी लेते हैं, वो भी मिठाई खा के बस। उसके बाद आज देखिए 9:15 हो गया और मेरे को प्यास तो बहुत तेज़ लगा है, जा रहे हैं अब पूजा करके और फिर पारण करेंगे। और अभी उतना अब कुछ काम नहीं है, सब कुछ काम हो चुका है, नाश्ता वगैरह सब कुछ बना दिए थे, सासू माँ के लिए भी बना दिए थे कि वो पारण कर लेंगी, तो वो पूजा करके पारण कर ली हैं, हम बस बाकी हैं तो जा रहे हैं। हम अपना बस छोड़ दिए हैं, बनाए नहीं हैं, क्योंकि इतना हिम्मत नहीं हो रहा था, लग रहा था बस परिवार को खिला दें, वैसे भी परिवार बस खा ले और क्या चाहिए, फिर उनको खिला दिए, फिर सोचे कि हम अपना पारण वारण करके उसके बाद बना के और खा लेंगे। तो चलिए जा रहे हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद बात करेंगे। फिर यहाँ पे आ गए नहा के और अपना जो जो स्किन में लगाना था वो लगाएं, बहुत ज़्यादा मेरा स्किन ख़राब हो गया है क्योंकि कुछ लगा ही नहीं पाते हैं फेस में, तो यहाँ पे एलोवेरा सबसे पहले लगाते हैं, उसके बाद वाइट टोन पाउडर, और कुछ भी नहीं लगाते हैं क्योंकि इतना ही मैं लगता है कि ठीक है। ज़्यादा मेरे को मेकअप पसंद ही नहीं है, ज़्यादा हुआ तो लिपस्टिक लगा लेते हैं और ज़्यादा हुआ तो काजल, इससे एक्स्ट्रा मेरे को नहीं अच्छा लगता। उसके बाद अपना बाल वाल जो है वो झाड़ लिए, और हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो रहा है ना फिलहाल, जब से बरसात आया है, क्या बोले तो बहुत जल्दी जल्दी में मेरे को प्यास भी लगा था बहुत तेज़ सच बोले तो, और अभी पूजा पाठ भी करना था इसलिए जल्दी जल्दी ऐसे किए, और काजल पूरा फैल गया था, और ग्रीन चूड़ी निकाल दिए थे क्योंकि सावन के बाद ग्रीन चूड़ी नहीं पहना जाता है, तो यहाँ पे चूड़ी भी चेंज कर लिए थे। उसके बाद पहुँचे हम मंदिर में और यहाँ पे हम पूजा पाठ किए, मंगलवार था तो हनुमान चालीसा भी पढ़े। उसके बाद आ गए यहाँ पे पारण करने के लिए, और पारण हमेशा जब भी तोड़ा जाता है व्रत तो भगवान को ऐसे मतलब बोल के नमन करके तभी कुछ खाया जाता है, तो यहाँ पे सबसे पहले मिठाई लेके और खा लिए और फिर पानी पी लिए, बहुत राहत मिला। काफ़ी लेट हो गया था, 10:30 हो गया था, 10 बज गया था मेरा पारण
करने में बहुत प्यास भी लग चुका था, लेकिन फिर भी अच्छे से सब कुछ हो गया क्योंकि परिवार बहुत ज़रूरी है, हम मानते हैं ऐसा। सबसे पहले परिवार को खाना दे के भेजना चाहिए क्योंकि वो लोग ड्यूटी करते हैं, तो इसलिए हम सबसे पहले उनको खाना बना के और उसके बाद मतलब लंच वंच दे के उसके बाद यहाँ पे आए तो अपने लिए पूड़ी छाने। यहाँ पे देख सकते हैं पूड़ी छान रहे थे और सासू माँ पुआ छान के रख दी थी मेरे लिए, तो हम पुआ थोड़ा बासी खाते हैं ठंडा होने के बाद, तो पुआ तो नहीं खाते, तो यहाँ पे पूड़ी छाने थे तो हम फिर अपने लिए गरम गरम पूड़ी बना के और फिर खाएं। फिर यहाँ पे आ गया रूम में और पता है ये डेकोरेशन के लिए मंगाए हुए थे, अपना वॉल डेक्योर करना था। मेरे को काफ़ी दिन से मन था क्योंकि मेरे को बहुत मन करता है कि अपना रूम बहुत अच्छे से सजा के रखें, लेकिन नहीं कर पाते हैं। तो आज फाइनली ये स्टिकर मंगाए हुए थे और इतना सुंदर लग रहा था ना सजाने के बाद, आप लोग देखिएगा। मेहनत थोड़ा लगा, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगा, लेकिन जो रिजल्ट आया ना बहुत अच्छा लगा। और एक स्टिकर मंगा लेंगे ना तो मेरा पूरा रूम बहुत सुंदर बन जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा कम पड़ गया था, आप लोग देख सकते हैं इतना छोटा छोटा सा है, बट लगाने के बाद जो आया ना लुक आप लोग देखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लग रहा है। तो देख सकते हैं इस तरीके का फाइनल जो लुक है ना आया है, आप लोग बताइएगा कि प्यारा लग रहा है या नहीं मेरा वॉल, फिर हम आपको दिखाते हैं अच्छे से। सो गाइस, इधर दीवार पे इतना दूर कर दिए, बताइएगा कैसा लग रहा है लुक। रुकिए लाइट ऑफ कर देते हैं, इतना दूर अभी किए हैं, उधर का बाकी है थोड़ा, अभी देखते हैं कितना हो पाता है। एक ऊपर लगाना है वहाँ पे, अगर और एक मंगा देंगे ना तो पूरा हो जाएगा और बहुत सुंदर लगेगा। बाकी बहुत सुंदर लग रहा है। सो गाइज, अभी हम सिलने दिए थे ब्लाउज वगैरह, वो लेने जा रहे हैं हम और माँ मार्केट, और फिर घर से आने के बाद जाएंगे मार्केट। तो चलिए चलते हैं। और आज हेयर वॉश किए, भीगा हुआ है पूरा बाल। फिर हम और मेरी सासू माँ निकल गए लाने के लिए जो टेलर के पास ब्लाउज़ और सूट वगैरह जो भी दिए हुए थे, क्योंकि मेरा जन्मदिन आ रहा है और उसी का हम दिए हुए थे। इस बार अपना जन्मदिन धूमधाम से सेलिब्रेट तो नहीं करेंगे, लेकिन मंदिर वगैरह जो है वो सब जाएंगे। तो यहाँ पे अपना सिलने के लिए दिए थे वो सब कुछ यहाँ ले लिए, यहाँ माँ सब रख रही थी। और कुछ कुछ चीज़ें जो थी ना सूट वगैरह, वो बनाने के लिए भी दिए थे जो थोड़ा लूज़ हो गया था सिलने के बाद, तो वो सब यहाँ पे माँ देख रही थी कि सब अच्छे से बन गया ना। तो यहाँ पे फिर घर चले गए थे अमूल लेके, और 10 मिनट रेस्ट करके फिर हम लोग निकले मार्केट जाने के लिए। और बहुत ज़्यादा धूप था, इतना ज़्यादा धूप था ना जिसकी वजह से थकान हो गया था। यहाँ पहुँचे हम लोग ज्वेलरी के शॉप पे, कुछ लेना था तो यहाँ पे हम लोग पहुँचे, और यहाँ पे माँ बैठी हुई थी तो यहाँ माँ कुछ बोल रही थी, ध्यान पे नहीं है। तो क्या लेना था वो आप आगे देखिए तो आपको दिखेगा कि क्या लिए हम लोग। तो यहाँ पे हम अपना थोड़ा थोड़ा वीडियो बना लिए क्योंकि इतना बिजी टाइम चल रहा है कि ब्लॉगिंग करना ही मतलब ध्यान से निकल जा रहा है। तो यहाँ पे ये इयररिंग्स देख रहे थे, गोल्ड का इयररिंग्स है, बहुत ही सुंदर सुंदर है। तो इयररिंग्स लेना था, क्यों लेना था, क्या लेना था, वो आपको पता चलेगा जल्दी ही। तो यहाँ पे सब हम लोग देख रहे थे कौन सा अच्छा लग रहा है, हम और माँ चूज़ कर रहे थे। आप भी लोग देख के बताइएगा कि कौन सा लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए। तब तक ब्लॉग चला जाएगा, अभी हम लोग देख रहे थे, ले नहीं रहे थे। तो आप लोग भी थोड़ा चूज़ करने में मदद करिएगा अगर समझ में आए तो। वैसे वीडियो में तो समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर आ रहा होगा तो बताइएगा। तो यहाँ पे हम दो में बहुत कंफ्यूज थे, तो माँ से पूछ भी रहे थे कि कौन सा सही लग रहा है। सुंदर लग रहा था सारा, इयररिंग्स बहुत अच्छा लग रहा था और लाइट वेट में था, लाइट वेट ही ज़्यादा मतलब अच्छा रहता है डेली यूज़ के लिए। तो फिर हम लोग निकल गए तो बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही थी ना गाइस कि क्या ही बताएं।
और जन्मदिन के लिए और क्या लेना था बता दे, तो मिठाइयाँ लेनी थी, तो यहाँ मिठाई के शॉप पे पहुँचे। और अपने जन्मदिन में ना हम ज़रूर कुछ दान करते हैं, तो यहाँ गरीबों के लिए मिठाई लेने आए थे बांटने के लिए। मंदिर जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे ज़रूरतमंद बैठे होते हैं, तो अभी जितना मेरा हैसियत है उस हिसाब से हम अपना जन्मदिन में कुछ ना कुछ बांटते हैं। तो यहाँ पे हम मिठाई लिए कुछ, और आपको सब कुछ देखने मिलेगा इसी वीडियो में, और क्या क्या तैयारी किए हैं अपने हिसाब से, जितना मेरे से हो पाया उस हिसाब से। फिर यहाँ पे हम लोग खाएं, हम सास बहू, यहाँ जो जो था ना ये नाश्ते में मेरे को बहुत अच्छा लगता है, जैसे बड़ा था, आलू चॉप था, आलू बंडा क्या तो बोलते हैं वो था, और एक कुछ था याद नहीं मेरे को, लिट्टी था। तो हम लोग दोनों सास बहू खाएं यहाँ पे, और पहली बार इस तरीके से हम लोग मार्केट में बैठ के खा रहे थे, लेकिन बहुत टेस्टी था ये चारों चीज़, बहुत अच्छा बनाए हुए थे लोग। पहले हम सोचे थे कि नहीं खाएंगे, लेकिन फिर देख के रहा नहीं गया और हम बोले कि खा ही लेते हैं। तो यहाँ दोनों लोग खाएं, और भी कुछ कुछ मार्केटिंग अभी करना ही था, तो चलिए देखिए कि क्या और ख़रीदे हम लोग। फिर यहाँ पे ये जो डब्बा है वो ख़रीदे, क्योंकि मेरे को जो बांटना था मिठाई वगैरह उसके लिए हम सोचे हाथ में अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए हम यहाँ पे डब्बा ख़रीद लिए। जो पिछला बर्थडे था तो हाथ में ही बांट रहे थे, आप लोग देखे होंगे ब्लॉग में, तो मेरे को खुद से अच्छा नहीं लग रहा था, तो सोचे थे इस बार हम डब्बा लेके आएंगे। और यहाँ पे फिर डब्बा बनाना स्टार्ट किए, और मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि मेरे को जन्मदिन इसी तरीके से लगता है कि होए। और ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन तो नहीं कर रहे थे इस बार, लेकिन ये ज़रूर सोचे थे कि इस बार ज़रूर हम बांटेंगे सबको और मंदिर ज़रूर जाएंगे, ये मेरा हर एक बर्थडे में रहता है। तो यहाँ पे इस तरीके से डब्बा बना रहे थे, देख सकते हैं छोटे छोटे सा डब्बा है, बहुत प्यारा लग रहा था, तो इसी तरीके से सारे डब्बे को हम बना लिए देख सकते हैं। और बहुत अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि जो मन था हम अपना किए ये सारा कुछ, और नेक्स्ट डे जन्मदिन था तो अच्छा लग रहा था बहुत।